डेट है आज 2 जून 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है तालिबान, ये प्रीलिम्स के लिए मेनली इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ जाननी है, एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंक्शन मॉनिटरिंग टीम, ये क्या है? इसने अभी कुछ रिपोर्ट दिए तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो UNSC, यूनाइटेड नेशन की एक ये ऑर्गन है, सिक्स ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, हिंदी में अंग बोलते हैं, उन छः में से एक UNSC है, उसकी ही ये टीम है, मॉनिटरिंग टीम, एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंक्शन मॉनिटरिंग टीम, इसने रिपोर्ट दी है। इसने रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान रेजिम में, यानी कि तालिबान की जो सत्ता है अफगानिस्तान में, तालिबान की जो सत्ता है अफगानिस्तान में, अभी तालिबान रूल कर रहा है, तालिबान एक जिहादिस्ट मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट या फिर मिलिटेंट मिलिटेंट इस्लामिस्ट मूवमेंट बोल सकते हो तालिबान को, एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, जिहादिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट करते हैं ये लोग, उन्होंने अफगानिस्तान की सत्ता पे कब्जा कर रखा है, आप सबको पता ही है। तो तालिबान की जो सत्ता है, रिजिम है अफगानिस्तान में, उसके अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा पनपने लगी हैं, उनको सेफ हेवन मिल गया है, यानी कि सेफ आश्रय शेल्टर मिल चुका है वहाँ पे तालिबान में, और वहाँ पे अपना विकास कर रही हैं आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहा है इस रिपोर्ट में कि 2023 तक तो कोई भी अफगानिस्तान से बाहर मेजर अटैक नहीं करेंगे। दो इंडियन फोकस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, ये इंडिया पे फोकस करते हैं, दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक है ये आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद, दूसरा है लश्करे तैयबा, ये इंडिया पे फोकस करते हैं, इंडिया पे अटैक करने की फोकस करते हैं, और ये अभी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ है यहाँ पर, ट्रेनिंग दे रहे हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, और लगभग तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो, इसके भी अफगानिस्तान में टेररिस्ट फाइटर ट्रेनिंग ले रहे हैं, 3,000 से 4,000 के लगभग टेररिस्ट यहाँ पे आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो एनालिटिक्स सपोर्ट एंड सेंक्शन मॉनिटरिंग टीम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये सहायता करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेंक्शन कमेटी को। इंडिया देखो करंटली इसका चेयरमैन है सेंक्शन कमेटी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सेंक्शन कमेटी होती है उसका करंट चेयर कौन है? इंडिया। और इसके मेंबर कितने होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 15 होते हैं, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये है 5 ये परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे इसके मेंबर, और इनके पास वीटो पावर होती है, यानी कि जो भी डिसीजन लेते हैं ये, इसमें 2/3 मेजोरिटी अगर चाहिए तो, अगर एक 5 परमानेंट मेंबर में से एक ने कह दिया कि नहीं ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये होती है वीटो पावर, यानी कि अगर एक ने मना कर दिया तो वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता UNSC। तो 5 परमानेंट मेंबर आप जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से हैं? एक है US, अमेरिका, UK, फ्रांस, ये दो हैं यूरोप में, और दो हैं एशिया में, रसिया और चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जो ये कोई भी डिसीजन पे वीटो लगा सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पे, और 10 नॉन परमानेंट में होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन होता है हर 2 साल में, इलेक्शन तो होता है इसका 1 साल में, यानी कि 5 मेंबर चुने जाते हैं 2 साल के लिए, और 10 टोटल मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं। 10 मेंबर इतना याद रखो बस, 10 मेंबर जो नॉन परमानेंट होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 ईयर का। 2021 में इंडिया भी इसका मेंबर चुना गया था, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सेंक्शन कमेटी है उसमें भी ये जो 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो इस सेंक्शन कमेटी में भी मेंबर होते हैं, और इंडिया इस सेंक्शन कमेटी का करंट चेयरमैन है, हेड है। जो ये रिपोर्ट है कमेटी को दी जाती है, कमेटी मेंबर में सर्कुलेट करती है, इसमें इन्फॉर्म किया है कि यूनाइटेड नेशन की स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के लिए क्या होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में अब तक 13 टाइम इसमें रिपोर्ट में, यानी कि 13 रिपोर्ट दी जा चुकी हैं, लेकिन जब से तालिबान रूल आया 2021 अगस्त से, ये पहली रिपोर्ट है जो अफगानिस्तान तालिबान के बारे में रिपोर्ट जारी की है इस सेंक्शन कमेटी ने, मॉनिटरिंग टीम ने। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया GDP ग्रोथ, ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। UPSC लगभग हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि GDP कितनी घटी है, बढ़ी है, कंटिन्यूसली बढ़ी है, ऐसे वर्ड दे देता है, स्टेडली डिक्रीजिंग या स्टेडली इंक्रीजिंग,
कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या रैपिडली इंक्रीजिंग, इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है कि लास्ट डिकेड में, पिछले लास्ट डिकेड में, एक डिकेड में 10 साल होता है, बोल देगा कि पिछले लास्ट डिकेड में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ऐसी स्टेटमेंट दे देता है। तो देखो ऐसी स्टेटमेंट्स वैसे जनरली रॉन्ग होती है 99%, ऐसे आप एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच सकते हो। अभी देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया की क्या रही है, इस रिपोर्ट में क्या है। इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं जीडीपी को, ग्रोथ फोर्थ क्वार्टर में लो रही है, अब तक जनवरी से मार्च पीरियड में 4.1% रही है। फोर क्वार्टर क्या होता है, फोर क्वार्टर का मतलब समझते हो ना, एक क्वार्टर में मतलब 4 महीने रहेंगे, 4 नहीं 3 महीने रहेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो क्वार्टर का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वार्टर 3 महीने का, यानी कि इस साल में 4 क्वार्टर हो जाएंगे 3 3 महीने के। तो जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर था उसमें जो लो रही है सबसे ज़्यादा 4.1% ग्रोथ, क्योंकि इससे पहले प्रीसीडिंग क्वार्टर में, इससे पहले क्वार्टर में, पहले 3 महीने में 5.4% ग्रोथ रही थी जीडीपी की, और ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसमें श्रैंक हो गई है, यानी कि घट गई है ग्रोथ, जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसमें ग्रोथ डिक्रीज हो गई है। एक चीज़ याद रखनी है, देखो ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, और फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी कि 2021 एक अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 तक ये क्वार्टर बांटे जाएंगे, 4 क्वार्टर, 3 3 महीने के, 3 3 महीने के 4 क्वार्टर। तो ये जनवरी से मार्च तक का लास्ट क्वार्टर होगा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। जो फुल ईयर ग्रोथ रही है वो भी 8.7% रही है, अब पूरे साल की बात हो रही है, लास्ट ईयर 2021-22 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की जो ग्रोथ रही है वो 8.7% रही है, लेकिन एस्टिमेशन कितना लगाया था, 8.9% एस्टिमेशन लगाया था, एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाया था इतना, लेकिन उससे कम रही है ग्रोथ। और जो ग्रॉस वैल्यू एडिड रही है इकोनॉमी में वो 8.1% रही है 2021-22 के लिए, वो भी लो रही है, ग्रॉस वैल्यू एडिड भी लो रही है 8.3%, ये एस्टिमेशन लगाया था, 8.3% एस्टिमेशन लगाया था अनुमान कि इतनी रहेगी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उससे कम रही है। तो यूपीएससी सिंपली कैसे क्वेश्चन पूछता है कि 2021-22 में जो ग्रॉस वैल्यू एडिड एस्टिमेशन से ज़्यादा रही है ग्रोथ या एस्टिमेशन से कम रही है, तो आपको याद रखना है एस्टिमेशन से जितना अनुमान लगाया था उससे कम रही है। और ये डेटा किसने दिया है और कौन देता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO देता है ये डेटा, ये कंपाइल करता है जीडीपी को और ग्रॉस वैल्यू एडिट को। ये ग्रॉस वैल्यू एडिट क्या है ये तो आपको पता ही होगा, देखो जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू उसमें से इंटरमीडियरी कॉस्ट को घटा दें, या इंटरमीडियरी कॉस्ट को घटा दें, या इनपुट कॉस्ट, देखो जो टोटल फाइनल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, टोटल फाइनल वैल्यू हमारे इंडिया में एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज, देखो गुड का मतलब अच्छा होता है, अगर इसके पीछे एस लग जाए तो इसका मतलब वस्तु, माल या वस्तु, तो गुड्स और सर्विसेज की, वस्तु और सेवाओं की जितनी भी टोटल वैल्यू रही है उसमें से हम इंटरमीडिएट वैल्यू घटा दें, इंटरमीडिएट वैल्यू घटा दें, ये इंटरमीडिएट का मतलब जो भी इंटरमीडिएट वस्तु रही होंगी या उसका जो प्राइस रहा होगा उस वैल्यू को घटा दें, या इनपुट कॉस्ट, जितने भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में इनपुट कॉस्ट आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट आई है इनपुट, या रॉ मटेरियल कॉस्ट कच्चा माल की कॉस्ट आई है उसको घटा दें तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू का क्या संबंध है ये और जान लेते हैं, क्योंकि देखो 2015 से ये हमारे इंडिया में जीडीपी को कैलकुलेशन करने के लिए ये IMF का जो SNA है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, ये मेथड अपनाया था और उसमें ग्रॉस वैल्यू एडिड का मेथड भी अडॉप्ट किया था जीडीपी वगैरह को तैयार करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ग्रॉस वैल्यू एडिड और जीडीपी का ये है, देखो ये हम निकाल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे। ग्रॉस वैल्यू एडिड ये आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमी में, ग्रॉस वैल्यू एडिड एक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कर देंगे इसमें से, पहले प्लस कर लो, प्लस सब्सिडी
सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब वस्तु माल कोई भी जो प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री वगैरह में, तो जितनी सब्सिडी प्रोडक्ट पे दी है वो प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे टैक्स ऑन प्रोडक्ट, टैक्स ऑन प्रोडक्ट। और अगर ये ही ये ग्रॉस वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट पे है, काउंट हम काउंट करते हैं यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के बाद ग्रॉस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइस पे हम पहुँचते हैं कैलकुलेट करने के लिए टोटल जीडीपी वगैरह। तो ये बेसिक प्राइस पे अगर निकालें ग्रॉस वैल्यू एडिड, तो फिर जीडीपी और जीवीए का, ग्रॉस वैल्यू एडिड का क्या संबंध है? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू होता है जीडीपी। इसमें से पहले देखो प्लस क्या था, सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट। अब सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट है जो, वो प्रोडक्ट पे नहीं होगा, अब सब्सिडी होगी प्रोडक्शन पे। ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन। सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन और सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट, इस पे फर्क क्या होता है? प्रोडक्ट तो मतलब वस्तु माल जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्शन मतलब उस वस्तु और माल बनाने की प्रक्रिया यानी कि उत्पादन। तो उत्पादन पे सब्सिडी जो दी गई है वो अगर बेसिक प्राइस पे ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालेंगे जीडीपी में से घटा देंगे, और प्लस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे टैक्स जो लगाया है प्रोडक्शन पे, टैक्स ऑन प्रोडक्शन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी प्रीलिम में कि ग्रॉस वैल्यू एडिड बेसिस प्राइस इज एट बेसिक प्राइस और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी में, जीडीपी में क्या रिलेशन है। तो ये आपको याद रखना है, मेनली यही हमें इसमें डिस्कस करना था। ये ग्रोथ तो वैसे आपको याद भी नहीं रहने वाली है कितनी क्या रही है, लेकिन याद रहे तो अच्छा है। और आगे इस रिपोर्ट में बताया है जो जीडीपी है 6.6% तक श्रंक हो गई है, सिकुड़ गई है 2020-21 में, और जीवे है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 4.8% तक। ये COVID-19 के लॉकडाउन के वजह से हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो बताया है, फुल इकोनॉमी रिकवरी हो रही है रियल जीडीपी की 2021-22 में, यानी कि रियल जीडीपी की हो रही है रिकवरी, क्योंकि प्री एंडेमिक लेवल पे जितना था उससे ज़्यादा है रियल जीडीपी 2021-22 में, यानी कि जब एंड पेंडेमिक आई थी COVID-19, उससे पहले 2019-20 के टाइम में जो रियल जीडीपी थी उससे ज़्यादा 2021-22 में रियल जीडीपी रही है। तो ये स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, रियल जीडीपी रहा ज़्यादा प्री एंडेमिक टाइम से, अब ज़्यादा रही है 2021-22 में। जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ट्रेड या होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर हैं जो, ये पेंडेमिक टाइम में प्री एंडेमिक टाइम में जितनी इनकी ग्रोथ थी उससे अब कम रही है ग्रोथ, अब कम रही है। ये लगभग 11.3% कम है 2019-20 से ग्रॉस वैल्यू एडिट लेवल में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है हमारे जो, उन्होंने अभी एक सेरेमनी अटेंड की है यानी कि मीटिंग अटेंड की है, ये वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 की। और कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है इसको, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी को कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, कौन आयोजित करा रहा है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी और सबसे ओल्डेस्ट है ये, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1865 में बनी थी, 1865 में। और देखो जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहली है, सबसे पहली जो यूनाइटेड नेशन की बनी थी स्पेशलाइज एजेंसी, और सबसे ओल्डेस्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो 1865 में बनी थी, और इंडिया इसका मेंबर है 1869 से, ब्रिटिश इंडिया के टाइम से इंडिया का मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वहीं पे इस समिट की मीट, ये जो वर्ल्ड समिट हो रहा है इसकी सेरेमनी यानी कि इसका उद्घाटन वहीं पे हुआ है, वहीं पे इसकी मीटिंग हो रही है। 30 मई से 3 जून तक इसकी मीटिंग चलेगी, 30 मई से 3 जून तक। पहले देखो इसकी वर्चुअली मीटिंग हुई थी, अब ये चल रही है फिजिकली मीटिंग चल रही है। और ये पार्टिसिपेशन जो है इसमें, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है इसकी एक काउंसिल है उसका, अभी इस काउंसिल में देखो जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के मेंबर हैं, कुछ मेंबर इस काउंसिल में बनाए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, उनका इलेक्शन होता है। तो इंडिया अभी इस काउंसिल में इसका मेंबर है, 2000
1919 से 22 तक 4 साल के लिए इसका मेंबर इलेक्ट हुआ था इस काउंसिल में इंडिया, लेकिन दोबारा री इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है इंडिया, जो 2023 से 2026 तक का ये टाइम पीरियड के लिए रहेगा अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है ITU काउंसिल का। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का तो मेंबर 1869 से ही है, तो इसका मेंबर एक बार बन गया जो कंट्री बन गया, लेकिन ये काउंसिल का इलेक्शन होता रहता है, इसकी काउंसिल का हर बार इलेक्शन होता रहता है। जो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग होती है इसमें इंटरनेशनल ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और ये टेलीकम्युनिकेशन है इसके रिगार्डिंग के कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, क्योंकि देखो ITU का जो काम है ना, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका काम ही ये है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज में प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरी कंट्री का साथ देना और इसको प्रमोट करना है टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। इसी के लिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग होती है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम है जो, ये 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था लेकिन वर्चुअल समिट हो रहा था, ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग वगैरह या पार्टिसिपेशन हो रही थी इसमें, लेकिन अभी फिजिकली ये स्विट्जरलैंड में जेनेवा में जहाँ पे ITU का हेडक्वार्टर है 30 मई से 3 जून तक चलेगा। इस साल की थीम क्या है, इस साल की थीम है ICT फॉर वेलबींग इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी कोऑपरेशन फॉर एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम है इस साल का, ये ITU के साथ साथ और भी इसको को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि सह आयोजित कर रहे हैं, यानी कि साथ दे रहे हैं इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में ITU का कौन कौन, यूनेस्को, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNGTAD इन क्लोज कोलोबरेशन विद WSIS एक्शन लाइन फैसिलिटेटर, यानी कि इसके साथ ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको ऑर्गेनाइज करने में साथ दे रही हैं। क्योंकि देखो UPSC क्या करता है, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, अगर आपने क्वेश्चन पेपर ढंग से एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चलेगा मोस्टली 60 से 70%, 80% भी बोल सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन देता है ना कि ये फोरम इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया या ये फोरम इसने कंडक्ट कराया, तो इसमें बहुत ज़्यादा मोस्टली टाइम पे वो गलत स्टेटमेंट दे देता है या फिर सही दे देता है, तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन देता है तो आपको पहचानने में दिक्कत होती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से याद करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अस्त्र MK1 BV RAM, ये चीज़ क्या है बस इतना याद रखना है, और किसने बनाया है इतना, ये अभी देखो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक कंपनी से जिसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये इसको बनाएगी। ये जो अस्त्र MK1 BV RAM है, ये एक मिसाइल है, बीवी राम का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह एयरक्राफ्ट से ये दागी जाती है और एयर में ही इससे टारगेट किया जाता है किसी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए। ये है मिसाइल, आप देख सकते हो ये है एयरक्राफ्ट, दिखाई दे रहा पूरा दिखाई नहीं दे रहा, आधा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही निकल रही है और एयर में ही मार गिराएगी किसी अपने टारगेट को। ये टेक्नोलॉजी पहले हमारे इंडिया में इंडिजीनियसली अवेलेबल नहीं थी, यानी कि हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ये अवेलेबल हो चुकी है और ये जो डेवलप की है डिजाइन की है अस्त्र MK1 BV RAM, ये जो है मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप और डिजाइन की है इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके। और DRDO क्या है इसके बारे में आप जानते हो, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए इक्विपमेंट मिसाइल्स वगैरह बनाती है DRDO, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक है NTPC रिलीजेज बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी। पहली बात तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसी कौन सी पहली PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये समझ लो गवर्नमेंट कंपनी है। NTPC सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में बिजली बनाती है, एनर्जी का प्रोडक्शन NTPC करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पूरा नाम है। इसने पहली बार बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी रिलीज की है, तो इंडिया की पहली PSU कौन है जिसने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी रिलीज किया, वो है NTPC। एक बात तो ये याद रखनी है, प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। जो NTPC लिमिटेड है इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन ये यूनिट है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है NTPC। इसने
बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 रिलीज की है। किस लिए? ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, एनहेंसमेंट किया जा सके, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जा सके। और बायोडाइवर्सिटी क्या है इसके बारे में तो आप जानते ही हो, जैव विविधता बोलते हैं हिंदी में। बायो को मतलब जीवन और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, यानी कि वेराइटी ऑफ लाइफ, जहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे वेराइटी ऑफ लाइफ रहती हैं। कोई जंगल है, कोई एरिया है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज रहते हैं, बर्ड, एनिमल या प्लांट या ट्री, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो ये क्या है? वेराइटी ऑफ लाइफ है, तो इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी है, ये एनटीपीसी की इन्वायरमेंट पॉलिसी का ही पार्ट है। और एनटीपीसी ने फर्स्ट टाइम, देखो, ये बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी इशू की थी 2018 में, तो फर्स्ट पीएसयू है जिसने ये लॉन्च की थी। सेम ईयर में एनटीपीसी ने ये मेंबर बना था इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव का। एनटीपीसी इसका मेंबर बना था 2018 में। और ये क्या है, इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव? ये इंडिया का नेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंडस्ट्री को ये काम करवाता है कि आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन रख सको, कि कहीं पे इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, तो वहाँ पे आसपास बायोडाइवर्सिटी को ना नुकसान हो। तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है एक ये जो एनटीपीसी है। जितने भी जहाँ इसकी प्रोडक्शन है, जहाँ पे भी इसकी इंडस्ट्री सेटअप है, एनटीपीसी की ब्रांच सेटअप है, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, इस पॉलिसी के थ्रू ये इंश्योर करेगी। यानी कि नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस ना हो। अगर मान लो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को जितना नुकसान हुआ है, तो उसका रिस्टोरेशन करे, रिस्टोरेशन यानी कि भरपाई करे जितना लॉस हुआ है। मान लो पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है, रिवर में गंदा पानी छोड़ दिया, तो उसको साफ सफाई करे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, कोई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करे, तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करे जितना नुकसान हुआ है। एनटीपीसी ने 5 ईयर का एग्रीमेंट आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से साइन किया है, ताकि ओलाइव रिडले टर्टल का कंजर्वेशन किया जा सके आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन पे। ओलाइव रिडले टर्टल कछुआ की प्रजाति है, इसके बारे में हमने अच्छे से कई बार पढ़ा हुआ है और अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। यूपीएससी ने भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है। ओलाइव रिडले टर्टल एक कछुआ की प्रजाति है, लगभग छोटा सा कछुआ होता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल आप जानते हो कपड़ा को बोलते हैं, कपड़ा वस्त्र जो आप पहनते हो। इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, घटा या बढ़ा है, बस इतना याद रखना है। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है ये भी याद रखना है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट रहा है, 44.4 बिलियन US डॉलर टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया है। टेक्सटाइल और अपेरल मतलब कपड़े की बात हो रही है, अपेरल भी कपड़ा ही होता है, इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया हुआ कपड़ा, कुछ और भी आ सकता है हैंडीक्राफ्ट में, हाथ से बना हुआ, लेकिन इसमें अभी कपड़े की बात हो रही है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात हो रही है। इंडिया का सबसे ज़्यादा अब तक का एक्सपोर्ट रहा है 44.4 बिलियन, और 41% इंक्रीज हुआ 2020-21 से, और 2019-20 से 26% इंक्रीज हुआ है इंडिया का एक्सपोर्ट। और यूएसए में सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है, 27% एक्सपोर्ट किया है, और यूरोपियन यूनियन में 18% दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट किया है हमने, बांग्लादेश में तीसरे नंबर पे 12% और यूएई में 6% किया है चौथे नंबर पे। जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा कॉटन का टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल है जो, यानी कि जो कॉटन है उसका ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, लगभग 17.2 बिलियन। ये 39% तक शेयर रजिस्टर करता है, यानी कि 39% जितना भी कपड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कॉटन टेक्सटाइल 39% करते हैं। और ये भी ग्रोथ देखने को मिली है 2020-21 और 2019-20 से। कितनी ग्रोथ है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 54 और 64%, 67%। जो रेडीमेड गारमेंट है उसका शेयर है 16 बिलियन डॉलर, लगभग 36% हम रेडीमेड गारमेंट बेचते हैं, यानी कि बना बनाया कपड़ा जैसे शर्ट पैंट वगैरह बेचते हैं। इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, कितनी ग्रोथ हुई है पिछले साल से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैन मेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो 6.3 बिलियन डॉलर, ये 14% शेयर है इसका जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है। जो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट है वो 2.1 बिलियन डॉलर रहा है, ये 5% तक हम जितना भी कपड़ा बेचते हैं उसमें हाथ से बना हुआ कपड़ा 5% तक बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बाहर देशों में। इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है 22% 2020-21 से, 2019-20 से 16% इंक्रीज देखने को मिला है 2021-22 में। तो यही टॉपिक थे आज के कुछ, देखो तीन चार टॉपिक, एक दो टॉपिक तो दो तीन दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं, और दो तीन टॉपिक, एक दो टॉपिक आज कल के ही हैं वो कंप्लीट करने हैं, वो अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज या कल में हम कंप्लीट कर लेंगे उन्हें,